राजस्थान में राजकीय भूकंपना आंचका गुजरात कोंग्रेस ने लागशे। राजस्थान कोंग्रेस ना संकट थी गुजरात कोंग्रेस में चिंता नुं मोजुं फरी वळ्युं छे। अशोक गहलोत छे गुजरात कोंग्रेस ना सीनियर ऑब्जर्वर, रघु शर्मा छे गुजरात ना चूंटणी प्रभारी। बंने नेताओनुं ध्यान अत्यारे राजस्थान ना घटनाक्रम पर छे। लोकसभा दीठ प्रभारी, विधानसभा ना मोटा भागना इन्चार्ज गहलोत ग्रुप ना छे। कोंग्रेसे अशोक गहलोत ने सौंपी छे गुजरात नी चूंटणी नी तमाम जवाबदारी। त्यारे हवे गुजरात कोंग्रेस मां चिंता उठी छे। जो के हाल में राजस्थान में चली रहे घटनाक्रम थी कोंग्रेस हाईकमांड मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थी नाराज छे। एक बाजू विधानसभा की चूंटणी नजीक छे तेवा समये गुजरात कोंग्रेस में निराशा फैलाई शके छे। राजस्थान कोंग्रेस ना राजकीय संकट नो हल हवे गुजरात कोंग्रेस नुं भविष्य नक्की करशे। राजस्थान में चली रहे राजकीय संकट ना कारणे बंने नेताओं गुजरात ने समय फाळवी नथी शकता। तो प्रियंका गांधी ना कैम्पेन सहित ना गुजरात कोंग्रेस ना मोटा चूंटणी लक्षी कार्यक्रमों ने पण आ मुद्दे हवे असर थई शके छे। संवाददाता गौरव पटेल अमारी साथे फोन लाइन पर जोड़ाया छे। गौरव, जे रीते अशोक गहलोत अने रघु शर्मा अत्यारे जे गुजरातनी जवाबदारी निभावी रह्या छे, हवे तेमनुं ध्यान जाणे के गुजरात पर ओछू थई गयुं तेवुं लागी रह्युं छे अने आज मुद्दे हवे गुजरात कोंग्रेसमां चिंता प्रसरी छे। शुं लागी रह्युं छे, आगळ शुं थशे? जरा वात करिए तो राजस्थान ना मुख्यमंत्री ने कोंग्रेस ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनावानी तक तो तैयार घड़ाई चुक्यो हतो, परंतु छेल्ली घड़ीए राजस्थान ना गहलोत जूथना धारासभ्य बळवो करता आखो मामलो गूंचवायो छे। गुजरात पर जेनी असरनी वात करें तो गुजरात कोंग्रेस ना संगठन प्रभारी तरीके रघु शर्मा और सीनियर ऑब्जर्वर तरीके अशोक गहलोत की निमणूक कराई छे। बंने राजस्थान ना नेताओ छे, बंने राजस्थान ना धारासभ्य छे, एक मुख्यमंत्री एक पूर्व आरोग्य मंत्री छे, उपरांत जे 26 लोकसभा ना इन्चार्ज मुकावा छे ते અને વિધાનસભાના ઇન્ચાર્જ મુકાવા છે। તમામ મોટાભાગના નેતાઓ રાજસ્થાનના અને અશોક ગહેલોત જૂથના છે। હાલ અશોક ગહેલોત રાજસ્થાન બચાવવા માટે, રાજસ્થાનમાં પોતાનું પદ બચાવવા માટે તત્પર છે। તો રઘુ શર્માનું ધ્યાન પણ ત્યાં જ છે। આવા સંજોગોમાં ગુજરાત કોંગ્રેસ માટે ચિંતાનું મોજું એટલા માટે છે કારણ કે અશોક ગહેલોતના ખભા ઉપર બેસીને ગુજરાત કોંગ્રેસ સત્તાની સીધી સરકવડા માંગતી હતી, પરંતુ હાલ અશોક ગહેલોત પોતે ત્યાં છે એટલે અહીંયા પૂરતું ધ્યાન આપી શકતા નથી। બંને નેતાઓની નજર હાલ રાજસ્થાનમાં છે। બીજું કે ચૂંટણીની તૈયારી ઉપર ખૂબ જ અસર પડી શકે કારણ કે અશોક ગહેલોત અને રઘુ શર્મા ગુજરાતનું પ્રચાર પ્રસાર સંગઠન અને જે ડેમેજ કંટ્રોલ છે તેની જવાબદારી નિભાવવાના હતા, પરંતુ હાલ પોતે ત્યાં ડેમેજ કંટ્રોલમાં રોકાયેલા હોવાથી ગુજરાત પર ધ્યાન ઓછું છે। જી બિલકુલ ઠીક, ગૌરવ આભાર આપનો।